Watch it! Stick around, baby. Very funny. Hey, Aladdin! Lamp guy! दर्दी रब रब कहाँ है? वो तो घर पे। हेलो जीनियस, हाउ आर यू? रिंग मास्टर, मुझे तो उसी दिन शक हुआ था। उम्र के हिसाब से ये आदमी अलादीन का कजन नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा उसका अंकल लगता है। बार बार अलादीन को बचाने की इसकी आदत हो गई डार्लिंग। मेरे दोस्त, बुरी आदत बदल डालो, अलादीन को मार डालो। बुरी आदत बदल डालो, अलादीन को मार डालो। नहीं मानेगा ये। मानेगा नहीं तो सारे पावर्स खोकर इंसान बन जाएगा, क्योंकि एक और बकवास कसम खाई थी इसने, लैंप के मालिक की हर बात मानने का, है ना मेरे दोस्त? नहीं, मत मांगो। अरे, लैंप का मालिक मैं हूँ जीनियस, मुझे मेरे तीन वेशेस चाहिए। मेरे दोस्त, मेरी कल्पना को सच कर दो, अलादीन को ढूंढ के खत्म कर दो। सुना जीनियस? सुना वो पहला बूम? बूम! तो हो जाए सत्य कल्पतरुण।
यू जीनियस, बाहर आ जाओ मेरे दोस्त। यू डर्टी स्काउंडरल, कम आउट। क्या हुआ? आज के मुख्य समाचार। सबकी तरह प्यार ने जीनियस को भी बर्बाद कर दिया है। जीनियस अब इंसान बन चुका है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समाचार समाप्त हुए। आज जो कुछ भी हुआ उसके तार 20 साल पहले एक घटना से जुड़े हुए। उस दिन हर किसी को एक खास चीज की तलाश थी। अरुण को लैंप की तलाश थी ताकि वो लोगों के काम आ सके। रिंग मास्टर को लैंप की तलाश थी ताकि वो कॉमेट पकड़कर वापस जीनी बन सके। और लैंप को खुद तलाश थी अपने सही मालिक की। कहते हैं जिसके दिल में कोई लालच नहीं होता वही लैंप का सही मालिक होता है। और जो कहा गया था वही हुआ। लैंप तुम्हें मिला मगर तुमने उसे फेंक दिया और लैंप का एक टुकड़ा गिरकर अलग हो गया। आगे वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने हाथों से वो टुकड़ा रिंग मास्टर को दे दिया। किस्मत का लिखा सब बदल गया। अरुण ने लैंप देखा तक नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिंग मास्टर उनसे लैंप क्यों मांग रहा है। लेकिन रिया समझ गई। उसे लैंप मिला और उसने लैंप घिसकर मुझे बुला लिया। लैंप का एक भी टुकड़ा अगर किसी के पास हो तो जीनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा खुद जीनी की शक्ति कमजोर पड़ जाती। रिंग मास्टर के पास लैंप का टुकड़ा था। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मजबूरी में आकर मैंने अरुण से गोली चलाने के लिए कहा। मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना था। वो तुम्हें नीचे फेंकने की धमकी दे रहा था। अरुण गोली नहीं चलाना चाहता था। चलाओ गोली। मैंने उसे गोली चलाने पर मजबूर किया। आवाज से बर्फ की चट्टानें खिसक गईं। और तुम्हें बचाने के बाद जब मैं वापस लौटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन आपने सिर्फ मुझे क्यों बचाया, सबको क्यों नहीं? तुम्हारी मां की पहली ख्वाहिश यही थी। अलादीन को हिफाजत से घर छोड़ दीजिए। अलादीन जाग गया तो कजिन जी आ। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने? एक मिनट प्लीज मुझे जरा समझने दीजिए। अलादीन के पास एक लैंप था जिसमें से आप निकले क्योंकि इसने आपको घिस दिया। मुझे नहीं, लैंप को। हाँ मर्जीना, जैस्मिन मर्जीना, मर्जीना आपने अलादीन को? अरे अलादीन मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। ओह काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझने दीजिए। अलादीन के पास एक लैंप था जिसमें से आप निकले क्योंकि इसने आपको घिस दिया। अलादीन के पीछे टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। वो चाहे या ना चाहे उसे आना पड़ेगा मुझे रोकने के लिए। और मुझे काम वही पसंद है जिसे करने से मुझे कोई रोके। मैं ही क्यों? लैंप का गलत उपयोग न हो इसलिए हमेशा किसी न किसी को भेजा जाता है। ये जीनीस का प्रमाण है। इस बार तुम्हें चुना गया है। सारी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, एक मैं ही मिला था उस रिंगमास्टर से लड़ने के लिए। सारी दुनिया में करोड़ों लोगों में एक तुम ही हो जो उस रिंगमास्टर को रोक सकते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहले पता लगाना चाहिए कि कॉमेट कहां से पकड़ना है। फिर इससे पहले कि रिंगमास्टर कॉमेट को पकड़ ले हमें उसे रोकना होगा। लेकिन कॉमेट तो आसमान से गुजरेगा, फिर इसे जमीन से कैसे पकड़ पाएंगे? कॉमेट नहीं, कॉमेट की परछाई पकड़नी है।
कहां से? यहां से। हाँ, मेमोरियल बिल्डिंग। लेकिन कल तो वहां स्टूडेंट्स बॉल हो रहा है। और भी अच्छा है, तुम हो तो फ्री में पासेस भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ मेमोरियल बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स बॉल बस शुरू होने ही वाला है, और फिर कुछ ही देर में कॉमेट यहीं ख्वाहिश के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा।